हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि बाबा केदारनाथ की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं बजट में आज केदारनाथ धाम यात्रा पैकेज, क्योंकि बहुत सारे यात्री श्रद्धालुओं की कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, सबको बाबा केदारनाथ धाम के लिए बजट में पैकेज चाहिए था। हमने आप लोगों के लिए बजट में पैकेज बनाया है, जिसकी डिटेल सभी आपको आगे वीडियो में बताई जाएगी। इस पैकेज में आपको आने जाने से लेकर रहना खाना सब कुछ मिलेगा। सभी की मनोकामना होती है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन जीवन में एक बार करने की, लेकिन जो बाबा के दरबार में एक बार आ जाता है उसको बाबा केदार की भक्ति बार बार लेके आती है। दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि आपकी यात्रा अच्छी हो जाए, आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े यात्रा के दौरान, तो आप लोग फिक्स डिपार्टमेंट में इस बजट पैकेज को लेकर आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पैकेज के बारे में बताते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फिक्स डिपार्टमेंट की जो डेट है वो 13 मई और 3 जून रहेगी। इसके अलावा और कोई डेट में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में वीडियो में बताऊँगा। 15 मई को ग्रुप हरिद्वार से निकलेगा। आप लोग जहाँ भी जिस होटल में ठहरे होंगे वहाँ से आप लोगों को मॉर्निंग में पिकअप किया जाएगा। उसके बाद 210 किलोमीटर ड्राइव के बाद आपको मंदाकिनी नदी दिखाते हुए पहला स्टे जो हमारा होगा वो सीतापुर में होगा। आपको वहाँ पर होटल में स्टे कराया जाएगा और आपका डिनर भी वहीं पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद केदारनाथ धाम के लिए ट्रैकिंग पर जाएंगे। इसमें 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी। जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं वो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जिनके पास टिकट होगा। केदारनाथ धाम मंदिर पर पहुंचने पर आप लोगों को वहां पर स्टे कराया जाएगा और साथ में डिनर भी होगा। तीसरे दिन आप लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग सोनप्रयाग आएंगे वापस ट्रैकिंग करके। सोनप्रयाग या सीतापुर में आप लोगों को होटल में स्टे कराया जाएगा डिनर के साथ। चौथे दिन हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉर्निंग में हरिद्वार के लिए निकलेंगे। हरिद्वार शाम तक पहुंचने के बाद आप लोगों को आपके होटल तक के जहां पर आप लोग ठहरे थे आपको वहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से ये हमारी यात्रा रहेगी। और अगर आप लोगों को अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे व्हाट्सएप पर जो नंबर है उस पर मैसेज करके आप और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये केदारनाथ की ट्रिप होगी उसमें कितना अमाउंट रहेगा। दोस्तों, इसमें आप लोगों को पर पर्सन प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो 7,000 रुपये होगा, मतलब एक बंदे का 7,000 रुपये का पैकेज रहेगा। इसमें आने जाने से लेकर रहना खाना और होटल में ठहरना होगा, और इसके अलावा टैक्स, पार्किंग और किसी भी तरह से कोई भी पैसे एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करने नहीं पड़ेंगे। अगर आप लोगों को इससे भी सस्ता पैकेज चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मई जून में यही पैकेज रहेगा। अगर आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से बुकिंग कराए, क्योंकि बुकिंग फुल होती जा रही है। और चारधाम यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनके लिए भी हमारे पास बजट में पैकेज है। जल्द ही चारधाम यात्रा पैकेज के ऊपर एक वीडियो चैनल पर डाल दी जाएगी। जो भी इस साल केदारनाथ या चारधाम यात्रा मई जून में जाने वाले हैं वो अपनी बुकिंग जल्दी से करा ले। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी या पूछना हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, सबको रिप्लाई उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे पास सभी तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक के पहुँचाएं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।